सबके मन में है क्रिकेट, सबका जुनून है अपना केपीएल। ताकि हमें आसानी है और भी कमेंट्री करने में। इम्तियाज चांदियो गेंद तैयार है यहाँ पर फील्ड में, मशवरे देते हुए कि किस तरह फील्ड लगाएं। बड़ा ही अच्छा किरदार है इनका और अच्छे इंसान है ये। मैं बात कर रहा था कोकरप्पा एवेंजर्स के सीनियर प्लेयर की, तो इसमें मुजफ्फर भोला जो के धुएंदार बल्लेबाज हैं कोकरप्पा एवेंजर्स के। जी हाँ, जिन हजरात को अगर भूख लगी है, अगर घर पे खाना खाने जा रहे हैं तो हमें हमारे पेज पे भी हमें ऑनलाइन देख सकते हैं। केपीएल का ऑनलाइन पेज कोकरप्पा प्रीमियर लीग पे लाइव मैचेस चलाए जा रहे हैं सारे, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। खालर भाई तैयार है बॉल के लिए, राउंड और विकेट बॉल की अच्छी बॉल, बड़ा ही खूबसूरत सेलिब्रेट, अपनी लातों से बॉलों को मारते हुए सेलिब्रेट किया, जबरदस्त विकेट हासिल की यहाँ पर। अच्छा आवाज कोकरप्पा एवेंजर्स की तरफ से। हेलो, बड़ा ही शानदार विकेट यहाँ पर लिया कोकरप्पा किंग के कप्तान से, गुजारिश है कि अपना एक प्लेयर यहाँ पर भेज दें। आवल जो कि काफी वैरायटीज के साथ बॉल करते हैं, कोकरप्पा एवेंजर्स के कैप्टन खावर। जी हाँ, खावर भाई अच्छी बॉलिंग करते हैं और यहाँ पर उनको हर चीज को देखना है, अपनी टीम को लेके चलना है, खुद को भी मेहनत करनी है, टीम के प्लेयरों को भी देखना है, तो एक बड़ा मुश्किल लम्हा है। लेकिन यहाँ पर आते ही उन्होंने बड़ी अच्छी विकेट गिराई है कोकरप्पा किंग की। क्या कहते हैं सिकंदर, किस तरह विकेट मिलेंगी या किस तरह रन बनेंगे? जी बिल्कुल, एवेंजर्स एक सीनियर साइड पर मुश्तमिल है जिनमें तहा बहुत ही बड़ा नाम, सलीम मामा बहुत ही बड़ा नाम, इम्तियाज चांदियो को तो सब जानते ही हैं। खावर आए बॉल की और इस दफा चेंज कर दिया अपनी पेस को। जी हाँ, जबरदस्त डिलीवरी यहाँ पर की और बैट्समैन जो थे उन्होंने यहाँ पिच पर ही थोड़ा सा टच किया बॉल को और एक सिंगल यहाँ पर हासिल किया, तो जबरदस्त बॉलिंग, दो बॉलें अच्छी गई उनकी। पावर प्ले अभी चल रहा है एक ओवर का और मजीद इसके बाद चार मैचेस होंगे। अगेन खावर भाई है तैयार बॉल के लिए, बोलते हुए आए राउंड द विकेट, उनका क्रॉस किया बॉल की अच्छी बॉल यहाँ पर, अच्छी लाइन लाइन से बॉल की। इस दफा अपनी पेस को और मजीद तेज करते हुए खावर, जैसा कि मैंने कहा ये काफी वैरायटी के साथ बॉल डालते हैं और बल्लेबाज को जो है वो मुश्किल में डाल देते हैं, कभी स्लो कभी तेज कभी मीडियम। जी हाँ, यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है और कौन सा ऐसा बॉलर है जो केपीएल का बिग प्लेयर कहलाएगा। राउंड द विकेट एक बार स्लो बॉल, व्हाट अ डिलीवरी, अच्छी यहाँ पर बॉलिंग की और यहाँ पर एक और नुकसान उठाना पड़ा कोकरप्पा किंग को, दूसरी विकेट का रास्ता वहीं से मिला। गुलजार अब तक ये सर्कल के ओवर में बहुत ही बेहतरीन ओवर कर रहे हैं खावर, जितने भी मैचेस हुए मेरे ख्याल से खावर ने बहुत ही अच्छा ओवर डाला है सर्कल के ओवर में। जी हाँ, मैंने तो सारे मैचेस देखे हैं, तो ये पहला मैच ऐसा देख रहा हूँ जो पावर प्ले के दौरान दो विकेट लेकर चार बॉलों में सिर्फ एक ही रन दिया है उन्होंने, जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर खावर भाई की। देखते हैं इसके बाद कौन से बॉलर होंगे, आई थिंक इम्तियाज चांदियो होंगे, लेकिन वो मजीद कोकरप्पा किंग की तरफ से जाहिद भाई जो कि काफी सीनियर बैट्समैन है। पावर आए अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और एक और अच्छी बॉल, और यहाँ पर अपील करते हुए खावर भाई, देखना पड़ेगा अंपायर का फैसला, अंपायर बिल्कुल खामोश, यहाँ पर अच्छी बॉलिंग, पांच बॉलों पर उन्होंने। खावर अपनी कैप्टनशिप का भरपूर रोल निभाते हुए फ्रंट पर आके बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जी एक बार फिर है तैयार, 10 नंबर की शर्ट पहनते हुए खावर भागते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया बॉल की अच्छी बॉल, देखना पड़ेगा अपील की है यहाँ पर एक बार और चेंज को पेस
पेस अपनी चेंज की पावर ने और बहुत ही अच्छा ओवर। खोखला पर किंग का स्कोर है 1 और 2 विकेट के नुकसान। जबरदस्त ओवर गया यहाँ पर खावर भाई का, बहुत ही अच्छा ओवर, भरपूर मेहनत के साथ किया और यहाँ पर बहुत थमा दिया है। आई थिंक क्या चांस जो है उधर खोखला पर किंग की साइड भी जो है वो कम नहीं है किसी से, जिनमें जाहिद भाई जैसे नाम मौजूद हैं जो कि अब क्रीज पर मौजूद हैं और जब तक जाहिद भाई क्रीज पर मौजूद रहेंगे तो एवेंजर्स के लिए थोड़ा सा खतरा है। जी हाँ, कुछ भी कह नहीं सकते क्योंकि सिकंदर क्रिकेट है, यहाँ पर छोटी से छोटी टीम है वो भी आगे जा सकती है और बड़ी से बड़ी टीम है वो नीचे आ सकती है, क्योंकि खेल है यहाँ पर 5 ओवर का खेल है, कोई बैट्समैन भी अगर चल गया तो फिर मैच का पासा पलट सकता है। इम्तियाज चांदो है तैयार बॉलिंग के लिए, बॉल करेंगे यूसुफ को, यूसुफ भी एक बहुत ही सीनियर बल्लेबाज। जी इम्तियाज चांदो रेडी है और दौड़ते हुए बड़ा ही खूबसूरत अंदाज इम्तियाज को क्रॉस किया, बॉल की अच्छी बॉल यहाँ पर, एक और डॉट बॉल। इम्तियाज चांदो जो कि हाल ही में जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब में खुर्रम चकवाल की टीम से कांटेदार मुकाबला करके आए हैं। जी हाँ, इम्तियाज चांदो का एक मैंने पिक मुझे भेजी थी और फेसबुक पे भी मैंने देखा था और बड़ा अच्छा रिकॉर्डिंग का था, 21 बॉलों पे 63 रन बनाकर अच्छी बैटिंग की थी वहां पर और इस बार भी अच्छी बॉलिंग की, उतने अच्छा थ्रो यहां पर लगा है, एक ही रन यहां पर बना। तो बात कर रहा था मैं उस रिकॉर्ड की, तो इम्तियाज चांदो ने सिर्फ 21 या 22 बॉलों पर 63 रन बनाकर अपनी टीम को मेहनती मैच दिया था और 3 विकेटें भी ली थी, जबरदस्त वहां पे मैच खेला था उन्होंने। इम्तियाज एक बार फिर अपनी बॉलिंग के निशान पर, आई एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की और फिर एक बॉल जाहिद भाई को बॉल कर दिया इम्तियाज ने, क्या खूबसूरत बॉल की है, जबरदस्त इम्तियाज चांदो। विकेट के डब्बे भी बड़े मजबूत हैं, जैसे ही बॉल लगती है जबरदस्त आवाज आती है और इसी तरह इम्तियाज की बॉल जो गोली की तरह गई और डब्बे को चीरते हुए इम्तियाज का इशारा था कि ये आउट। ये होता है एक सीनियर प्लेयर। तमाशाओं की तादाद बढ़ती हुई 5,000 से इंक्रीज कर गई, यहाँ पर 6,000 हो गई है यहाँ पर और शाम को यही आवाम आप देखेंगे कि किस तरह दीवारों पर बैठे रहेंगे, ये मेरा एक तजुर्बा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुलजार, मेरे ख्याल में 40,000 तक तमाशाइयों की तादाद जो है वो पहुंच सकती है। बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर और जो शौकीन है क्रिकेट के वो जरूर आएंगे और हमें उम्मीद है कि शाम में आप वही देख सकते हैं कि हमारा ग्राउंड किस मंजर आम पे होगा। इम्तियाज चांदो एक बार फिर आए अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और कैचर का खतरा, मगर एक टिप्पा खाने के बाद यहाँ पर सलीम मामा के पास और एक ही रन यहाँ पर बना, चौका बचाया लेकिन बॉल को रोक लिया। खोखला पर किंग को चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा खुल के खेलना पड़ेगा उन्हें, अब तक कोई बाउंड्री नहीं दी, दूसरा ओवर जारी है और कोई बाउंड्री उन्होंने कंसीड नहीं की है अभी तक। इम्तियाज चांदो अगेन तैयार, एक बार फिर भागते हुए क्रॉस किया बॉल की अच्छी बॉल, देखना पड़ेगा यहाँ पर फील्डर है मौजूद, मुजफ्फर भोला ने बॉल को फील किया। इम्तियाज चांदो का बहुत ही बेहतरीन ओवर जारी, यहाँ पर खावर भाई है फील्डर, यहाँ पर बड़ी जबरदस्त फील्डिंग की यहाँ पर और इम्तियाज चांदो का भी उतना ही खूबसूरत ओवर, यहाँ पर एक विकेट लेकर उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए हैं। खोखला पर किंग का स्कोर हो गया 5 स्कोर 2 ओवर के बाद, अगेन खावर भाई है यहाँ पर बॉलर, ये खोखला पर प्रीमियर लीग का चौथा मुकाबला जो कि रंगारंग इवेंट खोखला पार की तारीख के बेहतरीन इवेंट में से जाने जाते हैं, जिनको स्पॉन्सर किए हैं हमजा स्टान वेलफेयर
सोसाइटी। इस बॉल के बाद फिर आए पावर बॉल की और डबल शॉट फील्डर गेंद के नीचे, देखना है क्या चांद। बहुत ही दूर था यहाँ पर बॉल, अच्छी इफेक्ट लगाई यहाँ पर इम्तियाज चांदो ने, मगर बॉल उनके हाथों से बहुत दूर, टिप्पा खाने के बाद इम्तियाज चांदो बहुत ही आगे चले गए। तो यहाँ पर ये ड्रॉप तो कैच नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी कोशिश की उन्होंने इस कैच को लेने के लिए। खावर भाई एक बार फिर तैयार है बॉल के लिए, दौड़ते हुए आए राउंड विकेट इम्पैक्ट क्रॉस किया, बॉल की अच्छी बॉल। तो मैं कह रहा था कि इस बेहतरीन इवेंट को हमारे साथ ताउन किया है हमजा सान वेलफेयर सोसाइटी, सिराज एंड सिराज प्लास्टिक कंपनी, समा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अल कामरान कोचिंग सेंटर्स, मदीना मार्केट बी एरिया, इन सब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं केपीएल खोखरा पार्क प्रीमियर लीग की इंतजामिया। कावर भाई एक बार आए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और अच्छी बॉल, बैट्समैन बिल्कुल समझने से कासिल। जी हाँ, एक और विकेट यहाँ पर मुझे नजर आ गया था सिकंदर, लेकिन मैंने कहा माहिक आप अगर कंटिन्यू है तो बीच में ना बोलो। तो यहाँ पर एक और विकेट खावर भाई ने यहाँ पर हासिल की, और मैं यही कहूँगा अब तक के अगर मैं कहूँ बॉलर जो अच्छे टूर्नामेंट में चल रहे हैं तो खावर भाई को ही कहेंगे, क्योंकि दूसरा ओवर जारी है और उन्होंने उस ओवर में भी 2 रन दिए हैं, 1 विकेट ली है, बड़ा ही अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर। KCL के बाद अगर उन्होंने टीम को सेट किया अपनी, तो यकीनन यहाँ पर वो लूज नहीं करेंगे, इस टूर्नामेंट को आगे तक जाएंगे। और एक बार फिर अंपायर को क्रॉस किया और अपने रनर को जो है भूल गए। काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं कावर अपनी टीम के लिए, फ्रंट से आके लीड कर रहे हैं कावर, कोकरापाड़ एवेंजर्स के कैप्टन, धोते हुए आए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और एक बार और चेन किया अपनी पेस को, जो कि बैट्समैन बिल्कुल समझने से कासिर। और यहाँ पर कोकरापाड़ किंग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है उनकी बॉलिंग को कि वो किस तरह बॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी तक तीसरा ओवर जारी है और कोई उन्होंने बाउंड्री नहीं लगाई, तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि इतना बड़ा इवेंट है, पावर प्ले हर चीज, उसके बाद भी अगर बाउंड्री ना लगे तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। एक बार फिर तैयार बॉल के लिए, यहाँ पर एक और डॉट बॉल कर दी खावर भाई, अच्छी बॉलिंग करते हुए खोखरा पार एवेंजर्स के कप्तान गुलजार। मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकते, आखिरी बॉल तक आप कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तक तीसरा ओवर जारी है, इसके बाद 2 ओवर मजीद है, तो 30 रन 20 रन 40 रन जितने भी बने वो बहुत होते हैं, आपको क्रिकेट में सिर्फ बल्ला और बैट चलाना होता है। जी हाँ सही कहा आपने, क्योंकि जी हाँ यकीनन मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंची और उन्होंने एक उमदा शॉट लगाकर मुझे ये बताया कि नहीं हम अभी बना सकते हैं स्कोर मजीद। खोखरा पार्किंग का स्कोर है 13 है स्कोर यहाँ पर, 3 ओवर के बाद 13 स्कोर, बड़ा अच्छा हुआ खावर भाई का, लेकिन आखिरी बॉल पर उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग का मजारा, और मजीद बॉलर है यहाँ पर मुजफ्फर बोला जो कि बॉल करेंगे यूसुफ को, यूसुफ एक अच्छे बैट्समैन है, मुजफ्फर अपना रन भूल गए, मुजफ्फर कोकरापार के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से शुमार होते हैं। आए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की और फुल टॉस बॉल, अब तक अच्छा आगाज कोकरापार एवेंजर्स का। एक बार फिर मुजफ्फर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, बॉल की शॉट ऑफ लैंड बॉल और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी हाँ एक्स्ट्रा में इजाफा, एक वाइड बॉल का स्कोर बढ़ता हुआ 14 हो गए। मुजफ्फर एक बार फिर तैयार, अच्छी बॉल की यहाँ पर, एक और डॉट बॉल यहाँ पर खोखरा पार्किंग, एक छक्का मारने के बाद फिर से लूज होते हुए।
15 स्कोर है खोखरा पार्किंग का। मुजफ्फर एक बार फिर तैयार, दौड़ते हुए आए, इंपायर को क्रॉस किया, बॉल की अच्छी बॉल की, इस बार उठा के खेल दिया, व्हाट अ शॉट एंड अ बिग वन सिक्स। खोखरा पार्किंग आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कोर बोर्ड को बढ़ाते हुए, मुजफ्फर बोला आए बॉल की, एक बार बॉल कर दिया, अपने छक्के का बदला ले लिया मुजफ्फर भोला ने। जी हाँ, वही बॉलर कहलाता है जो एक छक्का खाने के बाद प्लेयर को पगलन का रास्ता दिखाए, मुजफ्फर ने वही किया एक छक्का खाने के बाद। बोले दे दें, केपीएल खोखरा पार्क प्रीमियर लीग 2020 जिसका ये चौथा रंगारंग मुकाबला, खोखरा पार्क एवेंजर्स वर्सेस खोखरा पार्क किंग्स। मुजफ्फर बोला आए को क्रॉस किया, एक बार फिर बॉल कर दिया, रजाक आए और इसी तरह वापस चले गए, रजाक की इनिंग का खात्मा किया मुजफ्फर भाई ने, जिस तरह आए उसी तरह गए, अब नेक्स्ट बैट्समैन उनके देखें कि वो क्या रंग दिखाते हैं इस टीम के लिए अपनी। केपीएल 2020 का ये शानदार मुकाबला जो कि एवेंजर्स खोखरा पार एवेंजर्स इस मैच पर अब तक छाए हुए, इस रंगारंग इवेंट को हमें दावन किया है हमजा सान वेलफेयर सोसाइटी, अमान का उड़ता हुआ शॉट, फुल टॉस बॉल दे दी मुजफ्फर ने और ग्राउंड से बाहर फेंक दिया अमान ने। जी हाँ, जबरदस्त शॉट खेला आते ही, खूबसूरत छक्का लगाया यहाँ पर और चार ओवर के बाद स्कोर है खोखरा पार्किंग का 27 स्कोर है, चार ओवर का खेल और आखिरी ओवर इस इनिंग का आना बाकी। गुजर इस तरह के इवेंट्स जो है वो खोखरा पार में बहुत ही जरूरी है क्योंकि नौजवानों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, हर जगह से क्रिकेटर निकलते हैं, फुटबॉलर निकलते हैं, मगर खोखरा पार से क्यों नहीं निकलते, तो बेड़ा उठा लिया है केसीएल हो केपीएल हो इनके ऑर्गेनाइजर हो और इनसे जो ताउन कर रहे हैं उनके बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नौजवानों का हौसला बुलंद किया, जिनमें सर फहरिस्त हैं हमजा आसान वेलफेयर सोसाइटी, सिराज एंड रियाज प्लास्टिक कंपनी, सफा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अल कामरान किड्स अकेडमी, मदीना मार्केट बी एरिया, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इनके केपीएल इंतजामिया। जी हाँ, मजीद बात करते हैं इस बारे में, चलते मैच की तरफ, इमरान है बॉलर, अच्छी बॉल की यहाँ पर और डॉट बॉल की यहाँ पर, लाइन को समझ नहीं पाया बैट्समैन यूसुफ है बैट्समैन, वो कतई ना समझ सके कि किस तरह बॉल आई और गई। इमरान एक बार फिर तैयार बॉल के लिए, अच्छी बॉल की यहाँ पर, एक और डॉट बॉल, खोखरा पार एवेंजर्स के बॉलरों ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया है अब तक। इमरान आई एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल और यूसुफ के फेस पर जाके बॉल लगी, अच्छी बॉल इमरान की। अमान जो कि एक छक्का लगाने के बाद क्रीज पर दोबारा मौजूद, एक उम्मीद खोखरा पार किंग की, आए इमरान, अंपायर को क्रॉस किया बॉल की और बीट कर दिया इमरान ने, जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा इमरान की तरफ से, चार बॉल अब तक फेंक चुके हैं और यहां पर एक ही रन उन्होंने दिया है सिंगल की सूरत में, तीन बॉलें ड्रॉप की हैं, पांचवी बॉल के लिए तैयार राउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया बॉल की, अच्छी बॉल यहाँ पर, वहां पर शॉट खेल दिया है, फील्डर है मौजूद, लेकिन देखते हैं बॉल धोनी की तरह, धोनी लेंगे छूटी हुई चार रन। की जो आउटफील्ड है काफी तेज है, तो जो भी बाउंड्री जाती है वो काफी तेज करार शॉट की तरह जाती है। अमान एक बार फिर फेस करेंगे इमरान को, इमरान ने बॉल की और शॉट लगाया
और 4 रन्स। एक बार फिर बाउंड्री हासिल की खोखरापाल किंग्स ने। इनिंग के अख्ताम पर खोखरापाल किंग का स्कोर है 36। खोखरापाल एवेंजर्स को यह मैच जीतने के लिए 37 रन दरकार होंगे। थैंक यू साउंड वाले जिन्होंने साउंड बढ़ा लिया, अब हमें आराम से बोलना चाहिए। जी हाँ, जबरदस्त मुकाबला किया कावर भाई ने और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। इसी तरह आप बात कर रहे थे कि इस तरह के इवेंट के बारे में सिकंदर, तो मैं यही कहूँगा कि इसी तरह के इवेंट अगर हमें मिलते रहे तो यकीनन क्रिकेट बहाल हो जाएगी और घर घर से जो प्लेयर हैं। खोखरापाल एवेंजर्स को ये मैच जीतने के लिए 37 रन दरकार। जी हाँ, इनकी तगड़ी बैटिंग है खोखरापाल एवेंजर्स की। इम्तियाज चंद जो भी ऑलराउंडर है उनके साथ अपना बैटिंग लाइन बहुत ही मजबूत खोखरापाल एवेंजर्स की, जिनमें सर पहले लेफ्ट हैंडेड जमान और मुजफ्फर राइट हैंडेड तेज तरार बल्लेबाज मुजफ्फर, और इम्तियाज चांडियो की तो क्या बात करें। जी हाँ, जबरदस्त बैटिंग लाइन है इनके पास, तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। अगर अच्छा खेलेंगे तो आसानी से यहाँ पर ये मैच विन कर सकते हैं। अब खोखरापाल किंग को यहाँ पर बॉलिंग अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो मैच में वापसी हो सकती है उनकी। बहुत ही कम टारगेट है ये सिकंदर, लेकिन क्रिकेट है आपने जैसा फरमाया तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो अच्छी बॉलिंग करेंगे तो यकीनन इस मैच में वापसी आ सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा गुलजार आपने, क्योंकि क्रिकेट है आखिरी बॉल तक, जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए तो तब तक वक्त होगा कुछ कहना। खोखरापाल किंग के टीम से गुजारिश है कि वो अपनी टीम को जल्द से जल्द ग्राउंड पर उतार दें और फील्ड सेट कर दें, ताकि वक्त की पाबंदी के साथ आज के मैच का इख्तिताम हो सके। जी, और यहाँ पर बॉल उठाने जो बच्चे जा रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो थोड़ा जल्दी करें बॉल के लिए, लेके आए वापसी बॉल है, क्योंकि फ्रेश अप मैंने उनको अपने हाथों से दिया है। और ईसा भाई ने यहाँ पर हमें 2 डब्बे फ्रेश अप के गिफ्ट किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, खा गए। KPL 2020 जिसके रंगारंग मुकाबले खोखरापाल डिपार्ट के ग्राउंड पर जारी, इन इवेंट की नौजवानों को बेहद जरूरत थी। खोखरापाल किंग की टीम से गुजारिश है कि वो फील्ड जल्द से जल्द सेट करें। अंपायर से गुजारिश है कि वो खोखरापाल किंग की टीम से फील्ड लगवाएं। इन पूरे KPL इवेंट्स को सुपरवाइज जो कर रहे हैं, अगर मैं उनकी तारीफ ना करूं तो ये नाइंसाफी होगी। अंपायर्स में जो सरफहरिस्त हैं, अख्तर भाई जो कि काफ़ी सीनियर अंपायर हैं, काशिफ भाई बहुत ही बेहतरीन अंपायर, अब्दुल सत्तार, जहीर भाई, ये 4 अंपायर्स इस पूरे KPL को कवर करेंगे। खोखरापाल के ये ग्राउंड जो के काफी अरसे से वीरानी का मंजर पेश करते थे, जिनमें एक नई जान सी डाल दी, चाहे वो KCL हो, चाहे वो KPL हो, चाहे वो MPL हो, चाहे वो AKCL हो, नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स चाहिए, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, और इन इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर को भरपूर दाद देते हैं हम, और इन स्पॉन्सर्स को भरपूर दाद देते हैं जिन्होंने इस इवेंट को
ताउन किया, जिनमें सरफहरिस्त हमजा स्थान वेलफेयर सोसाइटी, सिराज रियाज प्लास्टिक कंपनी, समा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अल कामरान किड्स अकेडमी, मदीना मार्केट बी एरिया। पहली बॉल का आगाज हो गया और अंपायर का इशारा चार रन, मुजफ्फर भोला। बोला नेम समेल है बॉलर और स्ट्राइक पर मौजूद हैं मुजफ्फर। जी हाँ मुजफ्फर किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और यहाँ पर पहली बॉल पर चौका लगाकर ये साबित किया है कि वो बड़ी हिट लगा सकते हैं और इस मैच में जीत दिला सकते हैं। एक बार फिर आगे खेलना चाहते थे, सर्कल में ही फील्डर मौजूद थे, कोई डर नहीं। मुजफ्फर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से पहचाने जाते हैं, इनको बॉल करेंगे सुमेर। सुमेर अपने बॉलिंग के निशान पर दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल डाली और बोले बॉल जो फुल टॉस बन गई और मुजफ्फर का कैच ड्रॉप कर दिया। कोकरापाल किंग। जी हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथों का कैच अगर छूट जाता है तो एक बहुत अफसोस की बात होती है। थोड़ी सी वहां पर कोशिश करके कैच को मजबूत बनाया जाए, कैच लिया जाए ताकि एक मेन विकेट जो है जिसे कहते हैं कि कैच गया तो मैच गया, ऐसा ना हो कि मजीद कैचेस ड्रॉप होते जाएं और आपके कौन से दूर होता चाहिए मैच। सुमेर एक बार फिर अंपायर को क्रॉस किया, शॉट ऑन लेग बॉल और मुजफ्फर इस बॉल को कतई नहीं छोड़ते। जी हाँ अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन उतना ही अच्छा शॉट खेलकर मुजफ्फर ने अपने बैटिंग लाइन का और अपने आप को ये साबित किया कि जबरदस्त प्लेयर में शुमार किए जाते हैं मुजफ्फर, और उतना ही अच्छा चौक लगाकर ये साबित किया कि मैं भी एक अच्छी हिट लगा सकता हूं। सुमेर एक बार फिर है तैयार बॉल के लिए, इस बार भी उठाना चाहते थे, यहां पर मिस हुए थोड़ा सा। मुजफ्फर बड़े खूबसूरत अंदाज से बैटिंग करते हैं और उनकी हाइट जो है वो भी लंबी है तो शॉर्ट पिच को भी वो अच्छी तरह खेल लेते हैं, शॉर्ट बॉल होती है तो। यहाँ मैं बताता चलूं शाहिद की नई क्रिकेट को कि कोकरापार प्रीमियर लीग के इंतजामिया ने आपके लिए लाइव मैच का भी इंतजाम किया हुआ है। तो सुमेर एक बार फिर बॉल की, इस बार पेस चेंज की और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो मैं कह रहा था कि कोकरापार प्रीमियर लीग के इंतजामिया ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। कोकरापार प्रीमियर लीग 2020 के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप इन पूरे इवेंट के मैचेस को लाइव अपने घर बैठे भी देख सकते हैं। सुमेर एक बार फिर आए और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, एक बार फिर वाइड बॉल। जी हाँ और मैच के बाद फम्मा भी नजर आए हमें। कोकरापाल किंग में भी काफी सीनियर नाम मौजूद। सुमेर आए, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, एक और वाइड। काफी लंबा ओवर करते हुए सुमेर। तो मैं कह रहा था कोकरापाल किंग में काफी सीनियर नाम मौजूद हैं, जिनमें जाहिद भाई, यूसुफ भाई और सलीम, जो कि अभी बॉलर को कुछ मशवरे देते हुए। सुमेर आए बॉल की और एक उड़ता हुआ शॉट मुजफ्फर का, जो कि बआसानी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया 6 रन के लिए। जी हाँ यहाँ पर एक ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कोकरापाल एवेंजर्स का स्कोर 21 है। यहाँ पर बड़ा ही महंगा ओवर यहाँ पर गया जिन्होंने 21 रन दिए और मुजफ्फर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 2 छक्के 1 चौका। KPL कोकरापाल प्रीमियर लीग जिसका ये चौथा मुकाबला, कोकरापाल एवेंजर्स वर्सेस कोकरापाल किंग्स, जो कि अब तक कोकरापाल एवेंजर्स का पलड़ा भारी।
कोकापाल टीम की तरफ से दूसरा ओवर करेंगे इमरान। आज के पांचवें मैच के लिए इमरान आए, अंपायर को क्रॉस किया और वाइड बॉल। आज के पांचवें मैच के लिए दोनों टीम्स के कैप्टन कोकापाल रेक्स जूनियर वर्सेस कोकापाल अल कामरान ग्लेडिएटर्स। इनके कैप्टन से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए ताकि नेक्स्ट मैच का टॉस किया जा सके। जी बॉलर एक बार फिर तैयार बॉल के लिए, डाउन द विकेट बात कर रहे हैं, पार को क्रॉस किया, अच्छी बॉल की यहाँ पर लोकल लाइन पे बॉल की और इस तरह फील्डर भागते हुए आए, बॉल को फील्ड किया, इतने में एक रन बना। इमरान एक बार पर अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी बॉल इस दफा इमरान की। जी हाँ, और खाने का टाइम भी हो गया है तो जो टीमें आई हैं वो खेलेंगी, बाकी हम जाएंगे खाना खाने। और इम्तियाज चांदो यहाँ पर आएंगे कमेंट्री के लिए। तो जमान धुएदार बल्लेबाज, अपनी धुएदार बल्लेबाजी दिखाते हुए जमान, जो कि बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाकर अपनी टीम को जीत की तरफ एक कदम और बढ़ाने में आसानी पैदा कर दी। तैयार खाने के बाद बॉल गई फील्डर के हाथ में, इतने में दो रन बने यहाँ पर, स्कोर बढ़ता हुआ कोकापाल एवेंजर्स का 31 हो गया, 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। एक बार फिर बॉलर तैयार, राउंड द विकेट, बॉल की अच्छी बॉल, इस बार भी उठा के खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर अफसोस का इजहार करते हुए कि जिस तरह का वो शॉट खेलना चाहते थे नहीं लगा पाए। यहाँ पर सिंगल मुजफ्फर है ऑन द स्ट्राइक। अभी अल कामरान ग्लेडिएटर से गुजारिश है कि वो अपने कैप्टन को कमेंट्री बॉक्स की तरफ भेज दें। इस बार उठा के खेल दिया, बहुत हाई, देखना पड़ेगा 6 रन और यहाँ पर मैच भी फिनिश कर गए। दूसरे ओवर में ही मैच का अख्ताम, एवेंजर्स की एक शानदार कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। मन में है क्रिकेट सबका जुनू है अपना केपीएल, केपीएल आओ मिलके अब बोलो शोर से, हर ओर है अपना केपीएल, नमक केपी।